वीडियो तो बाद में देखना पहले इसे देखो जिस पल का इंतजार था आखिर वो सामने आ गया आखिर एरन का ट्रांसफॉर्मेशन हमें सीजन फोर के अंदर देखने को मिल जाता है देखो बाद में लड़ाई होंगी हमें देखने को मिल जाएगा लेकिन ये जो शुरुआती जो एंट्री होती है ना यार ये चीज बड़ी कमाल की होती है एक एक अतलिक नाम नाम के सब्सक्राइबर हैं शायद मैंने उनका नाम सही से लिया जैसे ही उन्होंने मैसेज किया कि भाई अटैक ऑन टाइटन का फिफ्थ एपिसोड आ चुका है देखा क्या मैंने तुरंत डाउनलोड लगा दिया तो मैं यार ये चीज मिस नहीं करूंगा और जो वो पल मैंने यार इंजॉय किया लैपटॉप के ऊपर अपना अटैक ऑन टाइटन लगा दिया आराम से ईयरफोन लगा के एक एक चीज को मैं एंजॉय कर रहा था जो चीज चल रही थी यार वो चीज को मैं लफ्जों में मतलब ब्याह नहीं कर सकता विली टेबर ये एक कहानी हमें सुनाता है कि कैसे टाइटंस के साथ समझौता हुआ था और कैसे ये पीसफुली एक साथ रह रहे थे वो दीवारें वो कैसे बनाई गई थी वो तीनों दीवारें जो वो किस तरीके से बनी हुई हैं वो टाइटन से बनी हुई है तो ये सब चीजें इसमें बताई जाती है और भी बहुत सारी ये चीजें बताते हैं लेकिन वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिफ्थ एपिसोड जैसे ही खत्म हुआ मेरा दिल किया कि यार जाके मांगा पढ़ लो लेकिन उसमें ना दो दिक्कत मेरे सामने आई फर्स्ट की मेरे पास पैसे नहीं है और सेकेंड मेरे पास सच में पैसे नहीं है हमने एरन को तीन सीजन में देखा कि यार इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड वो कैरेक्टर हमें लगा क्योंकि यार पूरा का पूरा जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है कि हाँ यार ये इंसान है इसके पास पावर है टाइटन की और इवन टाइटन की पावर ये नहीं है ये फाउंडिंग टाइटन है कि भी सबको कंट्रोल कर सकता है तो ये वाली चीज होते हुए भी ये उतना उभर के या फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने नहीं आता जिससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है सैरन के साथ लेकिन फोर्थ सीजन के इस फिफ्थ एपिसोड में जिस ढंग से उसने बिहेव किया बात करने का उसका तरीका बिहेवियर और फिर लास्ट में उसका नाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यार बहुत एक अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिला है और ऊपर से सोने पे सुहागे वाली बात हो गई जो एनिमेशन जो दी है यार वो यार इतनी जबरदस्त है और आज देख के लगा कि अटैक ऑन टाइटन अपने असली रूप में आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि इसके पिछले वाले एपिसोड खराब थे वो बहुत अच्छे थे वो बेसिक्स तैयार कर रहे थे चीजें कोई कहानियां धीरे धीरे बढ़ाते थे लेकिन एक जो चीज जानी जाती है ना कि हाँ उत्साह बढ़ जाता है कि हमें अटैक ऑन टाइटन के अब फाइट शुरू होने वाली है अब क्या होगा ये सारी चीजें जो आज देख कर लगा कि ना हाँ यार जो पांच एपिसोड मैंने देखे ना मुझे लगा कि अब हाँ अब वर्त इट हुए यार हाँ देखना उन चीजों को लास्ट में जाते जाते हमें हैमर टाइटन के बारे में बताया जाता है कि अब इसके सिक्स एपिसोड में हैमर टाइटन भी आने वाला है और जिसके बारे में मैं कहूं कि यार इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता था मैंने मांगा के अंदर तो लोगों ने पता होगा कि हाँ मांगा के अंदर वो हैमर टाइटन कैसे है लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका नेट के ऊपर स्केच ही देखा हुआ है लेकिन अब एनिमे में उसका करेक्टर देखने को मिलेगा जो एक कमाल की बात है और अब एक चीज जो, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई इस एपिसोड में जैसे कि जो प्लानिंग एरन ने की अपने साथियों के साथ मिलकर और जो वहां पर वॉर ऑफ डिक्लेरेशन हो रहा था जो विली था वो एक वॉर की घोषणा करने वाला था कि अब इसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि पैराडाइज आइलैंड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो एरन के पास एक फाउंडिंग टाइटन चला गया और वो लोगों को मारना चाहते हैं जिस तरीके की उसने वो कहानी बताई है वहां पर धीरे धीरे जो इंटेंसीफाई सिचुएशन हो रही थी कि वो कहानी बता रही है बता रहा है वो विली और नीचे एरन और राइनर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं जो एक-एक सीन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था इतना जबरदस्त यार जो माहौल क्रिएट हुआ इतना सीरियसनेस हुआ सब कुछ इतना परफेक्ट है यार जो मैं कह रहा हूं यार ये वाली जो भावना है ये वाली जो फीलिंग है मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये आप तभी समझोगे जब आप ये सीजन का फो, ये फोर्थ सीजन का ये फिफ्थ एपिसोड देखोगे कमाल का है यार और इसके फिफ्थ एपिसोड में फिर से राइनर का एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाया जाता है कि राइनर जो है ये चार बंदे जाते हैं तो जो जो दो दोस्त थे इसके एनी और बैटल चाहते थे कि ये वापस आ जाएं मिशन को मतलब टाल दें हम नहीं करने वाले वो दीवार को नहीं गिराने वाले लेकिन राइनर चाहता था कि वो हीरो बने लोग उसकी रिस्पेक्ट करें इसलिए वो दीवार वो गिरा देता है वहां पर जाके और ये बात वो एरन से कहता है कि उसी की वजह से जो एरन की जो माँ है उसको टाइटन कहा गया तो इसलिए और बाकी किसी को भी वो नुकसान ना पहुंचाए उसी के साथ वो लड़ाई कर ले जो भी कर ले वो सब ये कहता हुआ हमें इस फिफ्थ एपिसोड में दिखता भी है जैसे सिक्स एपिसोड आएगा दोनों टाइटन के बीच में लड़ाई दिखाई जाएंगे और धीरे धीरे जो भी एपिसोड आएंगे उनके अंदर लड़ाई भी होंगी लेकिन अब सबसे ज्यादा बेसब्री से मुझे इंतजार है मिकासा और लीवाई कैप्टन जो लीवाई है उसका देखो यार जो कैप्टन लीवाई है ना इसने जो लास्ट में जो लड़ाई हुई थी इसके बीस टाइटन के साथ तो यार इसने जैसे धज्जियां उड़ाती थी उस बीस टाइटन की और बाद में वो ये कह के भाग गया था ये ड्रॉप है यार मजाक कर रहे हो यार अपने बाप को ये मत सिखाओ मतलब छोड़ो यार इस चीज़ को अगर आप लोगों ने ये एपिसोड फिफ्थ देख लिया है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगा मैं हर बार सोचता हूँ कि यार नहीं यार वीडियो हम एक साथ बना लेंगे लेकिन फिर से अंदर से वो इच्छा उठती है कि यार बात कर लें बात कर लें अच्छा लगता है कि हाँ कोई और नहीं है कोई एनिमे देखने वाला वो बस तुम्हें सोच पता ही है कि, कि वो ये कहते हैं कि एनिमे है वो कार्टून है तो चलो उस मुद्दे पे नहीं जाते एक जो सोच बना है, उसके हम फिर कभी बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि हाँ हाँ जो लोग देख लेते हैं उनसे हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं आमने सामने आ जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है वो अपनी बातें रख लेते हैं लेकिन मांगा पढ़ने वाले भाई साहब कोई जरूरत नहीं है एज देने का और अब जो एक्साइटमेंट बनी हुई है ना सिक्स एपिसोड के लिए और जो फिफ्थ एपिसोड में बनी थी अब सिक्स एपिसोड में बनी हुई है यार कमाल की है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही हैं चीजें जैसे कि द प्रोमिड नेवरलैंड का सीजन टू का सेकंड एपिसोड आने वाला है उसके फर्स्ट एपिसोड ने इतना कमाल कर दिया मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया जो दो उसके अंदर लास्ट में मतलब चलो छोड़ो उसके बारे में अभी नहीं बताते हैं और उसके सेकंड एपिसोड आने वाला है अब इसका सिक्स एपिसोड आने वाला है कमाल की चीज है वो ट्वेंटी ट्वेंटी वन कह सकते हैं कि हाँ अच्छा जा रहा है अभी तक तो तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद